सोलन का बिजली बोर्ड एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन इस बार बिजली बोर्ड में कोई घोटाला या कोई घपला नहीं हुआ है, बल्कि बोर्ड के कर्मचारी ने बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर लोन हासिल किया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बैंक की तरफ से बिजली बोर्ड के अधिकारियों से पत्राचार हुआ। जैसे ही बिजली बोर्ड के अधिकारी को इस बात की खबर हुई तो अधिकारी ने तुरंत इस पर जांच की और पाया कि उसके जाली हस्ताक्षर किए गए हैं और उन हस्ताक्षरों के आधार पर लोन हासिल किया गया है। फिलहाल बिजली बोर्ड के अधिकारी द्वारा आरोपी कर्मचारी के खिलाफ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि बिजली बोर्ड कर्मी ने जाली हस्ताक्षर करते हुए चोरी से कार्यालय के स्टैंप उपयोग में लाकर निजी बैंक से लोन हासिल किया था, जिसकी भनक जब बिजली बोर्ड के अधिकारी को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस विभाग में की। फिलहाल पुलिस ने बोर्ड के कर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मेरे पास एक्सियन इलेक्ट्रिसिटी ने एक कंप्लेंट दी थी कि उनके ऑफिस में ही कोई व्यक्ति कार्यरत है जिसका नाम अजय है। उसने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के उस पर जो है फर्जी साइन करके, जो एक्सियन साहब के साइन नहीं है जबकि DDO वो हैं, उसने कोई लोन जो है बैंक से लिया है। तो इस कंप्लेंट की हम छानबीन कर रहे थे। आज इस पे हमने 419, 420, 467, 68 और 471 IPC के तहत केस दर्ज किया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है।